नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज और मैं आपके साथ सुनील चतुर्वेदी। चलते हैं आज की कुछ खास वायरल खबरों की ओर। आए दिन सोशल मीडिया पर हार्ट अटैक से लोगों की मौत का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होता रहता है। वहीं एटा से दिल दहला देने वाला मामला निकल कर सामने आ रहा है, जहां पर एक बच्चा जिसकी उम्र मात्र 15 साल बताई जा रही है, डीजे पर डांस करते हुए अचानक गिर गया और उसकी मौत हो गई। लोगों ने इसका वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट करके डीजे के हाई वॉल्यूम की वजह से मौत का कारण बताया है। वहीं एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें बताया गया कि यह लोग जो वीडियो में दिख रहे हैं या देश भर के इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स, यूट्यूबर्स और क्रिएटर्स हैं, जिनको 2024 इलेक्शन की वजह से प्रगति मैदान दिल्ली बुलाया गया है। और वीडियो पोस्ट करने वाले ने दावा किया है कि बीजेपी इन लोगों से डील कर रही, जिसके तहत यह भाजपा के लिए कैंपेन करेंगे। जो वीडियो आपको इस समय स्क्रीन पर दिख रहा है, वह वीडियो कानपुर के नजीराबाद थाना क्षेत्र के जवाहर नगर के ओंकारेश्वर स्कूल वाली गली का बताया जा रहा है। वीडियो में दिख रहा है कि एक महिला की चैन को बाइक सवार लुटेरे लूटकर घटना को अंजाम दे रहे हैं। यह पूरी वारदात पास में ही लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई और यह वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है और पुलिस को खुली चुनौती भी दे रहा है। वहीं कानपुर में एक अजीबोगरीब मामला निकल कर सामने आया, जहां पर एक भाई ने अपने ही भाई से घर खाली करवाने के लिए अपने ही घर में आग लगा दी। वीडियो में बताया गया कि क्षेत्रीय लोग और घर में मौजूद परिजन आग से झुलस गए हैं। जब लोग भागकर पास की चौकी में पहुंचे, तब जाकर मामले को संज्ञान लिया गया। वहीं पूरे मामले में पुलिस ने कार्रवाई करने की बात कही है। लखीमपुर में भाजपा सोशल मीडिया प्रकोष्ठ के नेता के साथ वारदात हो गई। भाजपा सोशल मीडिया प्रकोष्ठ के नेता ने बताया कि बदमाशों ने उन्हें लूट लिया है, जबकि इस वीडियो को एक्स पर पोस्ट करते हुए ममता त्रिपाठी नाम की यूजर्स ने चुटकी ली और कहा, क्यों रे भाई, क्यों झूठ बोलते हो, वोट नहीं कापे तुम्हारे, मुख्यमंत्री जी कहते हैं तमंचा दिखता भी नहीं और यूपी में चलना तो दूर की बात है। आगे इन्होंने लिखा कि मुख्यमंत्री जी को झूठा साबित कर रहे हो, हे राम।